यहाँ हमारा तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें तेज पत्ता डाल देंगे, सूखी लाल मिर्च, दालचीनी, काली इलायची, लौंग, पचफोरन, काली मिर्च पाउडर, कुटा हुआ लहसुन, कुटा हुआ अदरक, कड़ी पत्ता, कद्दूकस की हुई प्याज। अब इसे 2 मिनट तक भून लें। स्वाद अनुसार नमक डालें, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, पिसा हुआ टमाटर। अब अच्छे से मिला लेंगे, 5 मिनट के लिए पकने देंगे। अब हम इसमें उबले हुए छोले डालेंगे, अच्छे से मिला लिए। अब इसे 5 मिनट तक पकने दें। अब हमारा 5 मिनट हो चुका है, अब इसमें गरम मसाला डाल देंगे। अब अच्छे से मिला लें। अब इसमें 1 कप पानी डालेंगे, फिर मिला लें। ऊपर से कटी हुई धनिया डाल देंगे। यहाँ हमारी छोले की सब्जी बनकर तैयार है।